समारोह हुआ, इतने सारे लोग सम्मिलित हुए, और आपने काफ़ी ऐसी जानकारी जो आम लोगों को मालूम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने आने के बाद में भारत के हर समाज, हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, कोई ना कोई सरकारी योजना उनके लिए लागू की है। मुझे तो लगता है कि इस देश का एक भी वर्ग ये मोदी जी की योजनाओं से अछूता नहीं है, चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष हो। तो सभी वर्गों के बीच में आपने देखा कि सेना को OROP जो 60 साल से सेना की डिमांड थी कि सेना के जो लोग जो रिटायर हो जाते थे उनकी जो पेंशन योजना थी वो पेंशन बहुत ही कम थी। मोदी जी ने आते ही 60 साल की योजना को उन्होंने तुरंत लागू किया। अभी जो किसान बिल जो उन्होंने पारित किया है, जिसके खिलाफ ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इसीलिए इकट्ठा हो गए हैं कि जिस दिन किसान को पता लग जाएगा कि मोदी जी ने उन्हें क्या गिफ्ट किया है, उस दिन किसान उनके मुरीद हो जाएंगे। और उस दिन किसान को ऐसा लगेगा कि जैसे सचमुच में वो गुलामी से आज़ाद हुए हैं। आपने देखा किस प्रकार से किसान से जो आलू होता है वो 50 पैसे किलो पे खरीदा जाता है, और बाज़ार में वही आलू 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो पे बिकता है, लेकिन किसान से 50 पैसे में खरीदा जाता है। आपने देखा कि 2 लाख से ज़्यादा किसान ने 60 साल में आत्महत्या की है। बड़े पैमाने पर आप ग्रामीण भागों में चले जाएं तो किसान के परिवार को कोई सुरक्षा कवर नहीं था आज तक। किसान का परिवार तो जैसे ऐसा लगता था कि उससे ज़्यादा तो जानवरों की सुरक्षा होती है, लेकिन मोदी जी ने एक फुल फ्लेज कानून लेकर आया। ये लोग किसानों को बरगला रहे हैं कि इनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, जबकि आपको मैं बताऊं, सबको पता है एक फिल्म आई थी आज़ादी के बाद 2 बीघा ज़मीन, और बलराज साहनी उसमें हीरो था, और पूरी फिल्म में अपनी 2 बीघा ज़मीन साहूकार से बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई उन्होंने अपने जीवन में लड़ी, और अंत में बलराज साहनी को अपनी जान दे करके उस लड़ाई में हार जाना पड़ता। तो मोदी जी के राज में वही बलराज साहनी, वही किसान जीत गया है, क्योंकि अब अगर वो किसी से भी पैसा लेगा तो उसको उसकी ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बगैर ज़मीन गिरवी रखे हुए उसको पैसा मिलेगा। पहली बार एक कानून में ऐसा है कि अगर किसान तो बेचारा सीधा साधा होता है, गांव में रहता है, तो बाहर से लोग आके उसका खेती का शुरू में कुछ एडवांस देते हैं, फिर उससे माल खरीद लेते हैं और उसको पैसा नहीं देते, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और किसान बेचारा गरीब होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है उसकी, तो बेचारा जहर का घूंट पी के मर जाता है, या अपना कर्ज लेकर के जो खेती करता है वो कर्जा वो पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको पता होता है कि 2 दिन के बाद मेरे खेत को नीलाम होने वाला है, तो बेचारे के सामने आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं होता है। यहाँ पर अगर किसी ने उस किसान का पैसा नहीं चुकाया तो उसको सीधा जेल जाना पड़ेगा। वो किसान जो है, वो किसान अगर पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR रजिस्टर कर देता है किसने मेरे से माल खरीदा पर मेरा पैसा नहीं चुकाया, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक जो किसान था, जो हम लोग समझते थे या जो मनोज कुमार की फिल्मों में देखते थे कि एक और गेहूं के खेत हैं या चावल के खेत हैं या गन्ने के खेत हैं, आज किसानी को और खेती को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। जैसे अभी ये मलाड है, अभी मलाड का शहरी क्षेत्र है, और अगर यहाँ की खुली ज़मीन है तो यहाँ पर आपको किस किस्म की मिट्टी है, उस मिट्टी को अगर आप किसान ऐप में जाकर के और आप किसी को बताएंगे तो यहाँ आ जाएगा, आपकी मिट्टी की सॉइल की टेस्टिंग होगी और वो आपको बताएगा कि आप एक काम करो, ये फसल लगाओ। तो आप अगर वो फसल लगाओगे तो 3 महीने के भीतर वो फसल उग जाएगी, उसकी कटाई हो जाएगी, और साल के ऐसे 4 फसल लगा सकते हो आप। तो जो किसान आज तक कुछ राजनीतिज्ञों का गुलाम बना हुआ था, आज तक अड़तियों का गुलाम बना हुआ था, आज तक सारे चुनाव किसान के नाम से लड़े जाते थे, वो सारे चुनाव किसानों को बरगला करके कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊं तो आपको ये पैसा दिलवाऊंगा, और किसान बेचारा वोट करता था और उसको कुछ नहीं मिलता था और 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता था। ये किसान इस देश में जिस प्रकार की आज़ादी 1947 में भारत को मिली थी, उस प्रकार से गुलामी से आज़ादी इस किसान बिल के बाद मिली है। और आपने देखा कि जिस प्रकार से
और इस किसान बिल के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आम जनता खड़ी हो गई है। ट्विटर के ऊपर ये सारे कांग्रेसी लेफ्ट, यहाँ पर सबसे बड़ी जो दुकानदारी बंद होगी ना, ये नक्सलवादियों की होगी, ये जो लेफ्ट के सोपल कम्युनिस्ट हैं उनकी होगी। इसीलिए होगी क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस अपने सारे ताकत से किसान को हमेशा गरीब रखती है और कम्युनिस्ट लोग इन किसानों को अपनी सेना बनाते हैं, उनको पीने का पानी की जगह बंदूक के हाथ में देते हैं और उनसे विद्रोह कराते हैं। तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी का इस देश में हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, क्योंकि किसान को अब खुली हवा मिलेगी, किसान किसी का गुलाम नहीं होगा, किसान का जो बेटा है वो कॉरपोरेट्स के साथ बिजनेस करेगा। आपके और मेरे बेटे को हम लोग आर्किटेक्ट बनाते हैं, लॉयर बनाते हैं, MBA पढ़ाते हैं, और हमारे जो बच्चे होते हैं वो गाड़ियों में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके, सूट पहन करके जा करके और कॉरपोरेट से मिलते हैं और उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसी प्रकार से इस देश का किसान का बेटा वो सूट पहन करके, जूते पहन करके, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके कॉरपोरेट्स के साथ बिजनेस करेगा और वो 50 पैसे में अपने दादा की तरह आलू और अड़तियों को नहीं बेचेगा। अगर इस शहर यहाँ पर मुंबई में 40 रुपये कीमत है आलू की, तो 30 रुपये किसान को मिलेगा और 10 रुपये फायदे से ये आलू आम जनता को मिलेगा। तो जो किसान की असली हक था उसकी फसल के ऊपर, उसके पैसे के ऊपर, वो पैसा उसको सीधा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा ये कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था, वो जनता को और हमारी माताएं बहनों को मोदी जी ने क्या क्या योजनाएं उनके लिए, उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए लाए हैं, ये योजना रखने के लिए ये हल्दी कुमकुम का माध्यम का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं का एकत्रीकरण, महिलाओं का सबलीकरण और महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महिलाओं के बीच आपस में एकता बनी रहे, एकता बनी रहेगी तो उनके घरेलू बहुत सारी चीज़ों की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। हमारे श्रीमद् भागवत में कथा में लिखा है कि कलयुग के जो कलयुग है, संघेय शक्ति कलयुग है, मतलब कलयुग में जो इकट्ठा रहेगा, जो कलयुग में एक होकर के रहेगा, जो कलयुग में जितने ज़्यादा लोगों के बीच रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। तो उसी एकता के लिए और इकट्ठा करने के लिए महिलाओं का हमारे विशाल भगत ने, नंदन सिंह जी ने, हमारी बहन रेखा जी ने और ये हमारी जितने भी बहनें बैठी हैं इन्होंने ये कार्यक्रम रखा और महिलाओं ने इस क्षेत्र की बड़ा ज़बरदस्त प्रतिसाद दिया। ऐसा अंदाजा था कि 101 महिला आएंगी, लेकिन आप लोग ने देखा 500 से ज़्यादा महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो पूर्ण रूप से सफल कार्यक्रम रहा है। विशाल जी, आपसे जानता हूँ आप आयोजक हैं इस समारोह के, क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जो बात सर ने कही किसान आंदोलन को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक एक्चुअली ये हल्दी कुमकुम कार्यक्रम है, ये महिला लोग का कार्यक्रम है और पिछले साल भी हमने इस कार्यक्रम को किया था, लेकिन इस कार्यक्रम को रूप देने वाला, जिसको बोला जाता है एक सेप देने वाला अगर कोई है तो वो रेखा त्रिपाठी जी हैं, चेयरमैन है संस्था की, श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के। इनके द्वारा हर साल इसी प्रकार हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होगा और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो योजना है, हर महिला के पास कैसे पहुंचे और उसका फायदा महिला लोग कैसे उठा सके, इसके लिए हमारा श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये चलते रहेगा, ये योजना चलते रहेगा और महिलाओं तक जो भी उनकी आवश्यकता है, जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो सके, वो फ्लोर में कैसे आ सके, इसकी जानकारी भी हमारे संस्था के द्वारा। रेखा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी आयोजक हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस समारोह के बारे में? आवाज नहीं पकड़ेगा, यहाँ पड़ा है।